वर्षा संपर्कित खबर को फेरिबा जदि देखिबा आज 4टी जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाय छि एवं ए संपर्क रे अधिक आलोचना पई संबलपुर रु हम प्रतिनिधि शुभश्री रहिछंती अनुगुल मध्ये तापस रहिछंती अनुगुल को जबा पई चाहिबी प्रथमे तापस वर्तमान जेतु रेड वार्निंग जारी कराय छि अनुगुल रे वर्तमान वर्षा जारी रहि छि निश्चित पक्ष देखु अनुगुल सदर महकुमा सकाळु ही वर्षा आरंभ हो जाए तुहाकु तुहा वर्षा लागि रही जदियो वर्षार जो परिमाण रही कम रही किंतु कंटिन्यूस वर्षा लागि रही तेज अनुगुल जिलार आखपाख जो रूराल बेस गुड़िक रही ग्रामांचलिक गुड़िक रही अनुरूप भाव वर्षा जारी रही जहाँ आम पाखे सूचना रही आप जानते जो भाव लघुचापर प्रभाव रही लघुचापर प्रभाव में कंटिन्यूस ये वर्षा आरंभ हो जाए वर्षा फल जो दैनंदिन जीवन जात्रा रही लोक निश्चित पक्षे से कौट ना कौटी प्रभाव पकई तेज जदि आमको देखा पड़ो जेहेतु जदि हीराकूद नदीबंध रु जदि जल निष्कासन हुए तेज यह निश्चित पक्षे सातकोशिया अभयारण्य जो सातकोशिया गंड रही पहुँच एवं सातकोशिया गंड में पहुँचा पर जो पार्श्वर्ती ग्रामगुड़िक रही निश्चित पक्षे प्रभावित कर तेज वर्तमान जहाँ परिस्थिति वर्तमान परिस्थिति स्थिर रही एवं जो आनुषंगिक जो व्यवस्था करा कथा तापर तीक्षण नजर रखा कथा कहुच्छे तेणु वर्षार जो परिमाण रही वर्षा तो होश्चित भाव कंटिन्यूस वर्षा लग रही तेणु वर्षार परिमाण के आधार करके ही यो प्रक्रिया जो त्वरान्वित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पक्षर कहुई अनुपक्ष जदि देखा जो नदी भंडार गुड़िक रही जल भंडार रही डेरजाम प्रोजेक्ट कथा कहतु बा रेंगाली जल भंडार कहतु ये दुईटी वर्तमान जो जलर जो धारण जो रही कैपेसिटी जो रही से कैपेसिटी को ऊपरको उठी आसला पा तेणु जो पार्श्वर्ती अंचल रही से गुड़ी सावधान रहा जो संपृक्त विभाग पक्षर घोषणा करा छड़ा जदि आम ढेंकानाल जिला कथा देखा अनुगुल समेत ढेंकानाल जिले में अनुपस्थित रही तुहाकु तुहा वर्षा लगि रही तेणु निश्चित पक्षे जो जीवन जात्रा रही प्रभावित होदि यह अवपात रूप निए परवर्त स्थित कौन परिस्थित रोक अनुधान कर आवश्यकता रही कमलाकांत निहाती भाव में अनुगुल स्थिति तो आम देखिले तेज संबलपुर जी आम प्रतिनिधि शुभश्री रही शुभश्री जदि देखा आजपाई संबलपुर कथा कहतु बरगढ़ कथा कहतु रेड वार्निंग जारी कराई से बर्तमान किभली भाव में पापाग रही देखु कमलाकांत जदि कह वर्तमान जो पानीपाग विभाग पक्षर जो 4टी जिला को रेड वार्निंग जारी करा से जिला गुड़िक हूँ संबलपुर बरगढ़ अनुगुल एवं केन्दुझर जदि कह संबलपुर गला काली वर्तमान पर्यंत वर्षा लगि रही एवं वर्षार परिमाण टी कम रही कि देखा सका प्रबल वर्षा होता है गत काली कथा जदि कह अति प्रबल मात्रा वर्षा होता है आज सका वर्तमान पर्यंत थुआकु थुआ वर्षा लगि रही वर्तमान टी वर्षार परिमाण कम रही हेले कहिबा जदि जेहेतु एबे वर्तमान लघुचाप लागि रहिछे एवं लघुचाप जेहेतु छत्तीसगढ़ महातेणु जदि छत्तीसगढ़ रे जदि प्रबल मात्रा रे वर्षा हुए ताले हीराकुद रे नदीबंधर जलस्तर वृद्धि पाइबार आशंका करा जाउछि तेणु जो तळी अंचल गुड़िक रे जो जनबसती रहिछे एवं जो लोक माने बसवास करचंती तांकु मध्य सावधान रहिबा पई करा जाइछि एवं जदि कहिबा वर्षा पई संबलपुर खास करी जो मेन छक गुडा कर रहिछे सेठारे मध्य आपण आगुरु मध्य आमे चित्र देखैतिलु जे किभळी भाबरे जल सेठारे जो पाणी जलबंदी होकर रही है से जगह गुड़िक टिके वर्षा हेल्ले नाल नर्दमार पा रास्ता को पलि जदि कह जो क्षेत्राजपुर जो रेलवे स्टेशन रही प्रमुख सहर जो प्रमुख जगह से जगार पा जमा हो रही है और लोक मैंने साधारण लोक जो रही यातायात प्रमुख जो समस्या रही है और संबलपुर जदि कह गत काली आज पर्यंत वर्षा लगि रही जो हीराकूद नदीबंध खासकर जो तलिया अंचल लोक मैंने रोचु सतर्क रही सूचना जारी कराई कमलाकांत निहतरे बहुत बहुत धन्यवाद संबलपुर रही आम प्रतिनिधि शुभश्री रही अधिक अपडेट दौले तेज बरगढ़ आपरे निहाती भाव में जोड़े आम प्रतिनिधि मनीष मनीष जब देखा बरगढ़ में रेड वार्निंग जारी करतमान कि भाव में पापाग रही जो उपांत अंचल
ଟେକମାଲ ଗାଇସିଲେଟ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 58 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଗତକାଲି ରାତିରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଝରଣାରେ ଯେଉଁମାନେ କାବଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଯେଉଁ ନଦୀନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନଦୀନାଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତା'ର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ରେଡ୍ ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଷର ସମୟ ରହିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି ସେ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପାନ ଦୋକାନରେ କିଛି ଲୋକ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା ସେଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 5 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। କମଲାକାନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ରହିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରୁ ତାପସ ରହିଥିଲେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।